ना कुटुंब सभ्युलारा, हमारे देश में लंबे समय तक हेल्थ केयर पर सिर्फ समृद्ध लोगों का अधिकार समझा जाता था। बीते 9 वर्षों में हमने इस चुनौती को हल करने के लिए कई कदम उठाए, जिसे स्वास्थ्य सुविधाएं अवेलेबल भी हो, एफोर्डेबल भी हो। भारत सरकार मेडिकल कॉलेजों में और एम्स की संख्या बढ़ा रही है। तेलंगाना के लोग एम्स की बीबी नगर में चल रहे भवन निर्माण का हमारा काम भी देख रहे हैं। जब अस्पताल बड़े हैं तो साथ ही मरीजों का ध्यान रखने के लिए डॉक्टर्स और नर्सेज की संख्या भी बढ़ रही है। ना कुटुंब सभ्युलारा, आज भारत में दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत चल रही है। इसके कारण सिर्फ तेलंगाना में 70 लाख से अधिक लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवाने की गारंटी मिली है। जन औषधि केंद्रों पर गरीब और मिडिल क्लास को 80% डिस्काउंट पर दवाई दी जा रही है। इससे परिवार हर महीने हजारों रुपये बचा पा रहे हैं। ना कुटुंब सभ्युलारा, हर जिले में अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इसके लिए हमने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की शुरुआत की है। आज इस मिशन के तहत तेलंगाना के 20 क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स का शिलान्यास हुआ है। इन ब्लॉक्स को ऐसे बनाया जाएगा कि इसमें डेडिकेटेड आइसोलेशन वार्ड्स, ऑक्सीजन सप्लाई, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की पूरी व्यवस्था हो। तेलंगाना में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए 5,000 से अधिक आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी काम कर रहे हैं। कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान तेलंगाना में लगभग 50 बड़े पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए, जिसमें लोगों का जीवन बचाने में बहुत मदद मिली।